हेलो फ्रेंड्स, कुक विद मनीषा में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे लड्डू और पेड़ा। मैंने एक ही मिश्रण के अंदर लड्डू के जैसे आकार बनाया है और पेड़े भी बनाए हैं। इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है, खाली 5 मिनट में ये बन जाते हैं और इसे बनाने के लिए बहुत कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। और ये लड्डू बनाते समय ना तो इसे पकाने की जरूरत है, ना इसके अंदर खोवा और मावा डालने की जरूरत है, ना तो मिल्क पाउडर, ना ही कंडेंस मिल्क। और खास करके ये लड्डू बैचलर्स भी बड़े आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप फुटाने की दाल ली है, 1/2 कप पीसी हुई चीनी, चीनी को मैंने ग्राइंडर जार के अंदर डाल के इसका पाउडर शुगर बना लिया है, 1/3 कप घी, 4 कटे हुए पिस्ते, 2 हरी इलायची ली थी उसे दरदरा कूट लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं इंस्टेंट पेड़ा और लड्डू बनाने के लिए। सबसे पहले ग्राइंडर जार लेंगे, मैंने अभी अभी इसके अंदर चीनी पीसी थी, तो हम सेम ग्राइंडर जार के अंदर एक फुटाने की दाल डाल देंगे और इसे भी हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। फुटाने की दाल को हम गेहूं के आटे के जैसे पीस लेंगे, इसका पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने फुटाने की दाल को अच्छी तरह से पीस लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से पीसना है। इसे हम एक बोल के अंदर निकाल लेंगे और इसे साइड में रख देंगे। तो सबसे पहले हम एक बड़ा सा बोल लेंगे और इसके अंदर डालेंगे घी। घी डालने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे पाउडर शुगर, ये पीसी हुई चीनी मैंने इसके अंदर डाल दी है। पाउडर शुगर और घी को हम लगभग 3 मिनट तक लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से फेंट लेंगे। जितना आप घी और पीसी हुई चीनी को फेंटेंगे उतने ही लड्डू अच्छे बनेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसे 3 मिनट तक अच्छी तरह से फेंट लिया है। पीसी हुई चीनी और घी को फेंटने के बाद इसके अंदर डालेंगे फुटाने की दाल जो हमने अभी पीस के रखी थी। सबसे पहले मैंने थोड़ी ही डाली है, इसे मिलाने के बाद फिर बची हुई दाल का पाउडर डाल देंगे। ये सारी फुटाने की दाल का पाउडर मैंने डाल दिया है, इलायची का पाउडर डाल देंगे। अब हम इन सारी चीज़ों को हाथों से अच्छी तरह से मिला देंगे। जैसे हम बेसन के लड्डू बनाते हैं सेम उसी तरह से इसका आटा तैयार कर लेंगे। अगर आपको ऐसा लगे आटा ड्राई है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा घी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे परफेक्ट लड्डू और पेड़ा बनाने के लिए मिश्रण तैयार कर लिया है। तो चलिए हम सबसे पहले इसके लड्डू बना लेते हैं। लड्डू बनाने के लिए हम बस थोड़ा ही मिश्रण लेंगे, बस इतना ही। और जैसे हम बाकी के लड्डू बनाते हैं सेम उसी तरह से इसे गोल आकार में इसका लड्डू तैयार कर लेंगे। अगर आप लड्डू बनाते समय ए वाली प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे, ए वाली इधर से उधर लड्डू करते हुए अगर बनाएंगे तो इसके अंदर से घी निकलना शुरू हो जाता है और लड्डू बहुत ही ज़्यादा चिकना बनता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये लड्डू का टेस्ट आपको बेसन के लड्डू के जैसा आएगा, खाने में सेम बेसन के लड्डू ही लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले 6 लड्डू बना लिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी पेड़े का आकार। तो सबसे पहले सेम तरीके से गोल आकार में इसे लड्डू बना लेंगे, ऊपर से थोड़ा प्रेस कर देंगे। अब हम अंगूठे से बीच में से प्रेस करेंगे, ये होगा पेड़े का आकार। इसके ऊपर कटा हुआ बादाम रख देंगे, इस तरह से इसे भी प्रेस कर देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका आकार हमने पेड़े के जैसे बनाया है, ये सेम पेड़ा ही दिख रहा बिना खोए और मावे का। हम बचे हुए आटे के भी पेड़े बना लेंगे और इसके ऊपर बादाम लगा दिए हैं। मैंने यहाँ पे 5 पेड़े बनाए हैं और 6 लड्डू। तो अब हम लड्डू के ऊपर कटे हुए पिस्ते से गार्निश कर लेंगे, इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करते जाएंगे पिस्ता ताकि लड्डू को चिपक जाए। तो आपने देखा ये लड्डू और पेड़ा बनाना कितना सिंपल है, आप इसे इंस्टेंट बना सकते हैं खाली 5 मिनट में। और आप इसे कोई भी त्योहारों में फटाफट बना के खा सकते हैं, ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप चाहे तो मेरे और एक इंस्टेंट लड्डू की रेसिपी देख सकते हैं, वो है बची हुई रोटी के लड्डू कैसे बनाते हैं, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और भी आने वाले अच्छे अच्छे रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।